नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10, आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जनपद बिजनौर के कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ जमकर ओले पड़े, बता दें, जिससे डरे सहमे लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, जिसमें किसानों को फसल भी प्रभावित हुई है। तो वहीं रात से ही पड़ रही झमाझम लगातार बारिश से सर्दी ठिठुरन बढ़ गई है। सड़क और गलियों पर सन्नाटा छा गया है। कई जगह पर जमकर ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में सल्ट विधायक महेश जीना ने मंदिर में पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने सल्ट विधायक का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें, पंपिंग पेयजल योजना 13 करोड़ 22 लाख की लागत से इस योजना को बनाया गया है। ये पेयजल योजना को लगभग 60 किलोमीटर लंबी बिछाई जाएगी। जो योजना को दो चरणों में पानी को पंपिंग कर पहुंचाया जाएगा। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि उपचुनाव के समय मैं जहां भी जाता था, वहां प्रमुख जरूरतें पानी की होती थी, लेकिन आज सभी ग्रामों में पानी के बड़ी बड़ी पेयजल योजना से जोड़ा जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी नहीं रुकेगी। आज हमारे यहाँ भाकुड़ा तल्ला में हम लोगों ने तिमली चचोटी पेयजल योजना का उद्घाटन किया है और ये योजना 13 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बन रही है और इससे 30 गांवों को लाभान्वित होंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि ये योजना जल्दी से जल्दी तैयार हो। आज इसका शिलान्यास। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड लमगाड़ा में भाजपा नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ता ने मंदिर के प्रांगण में स्वागत समारोह आयोजित किया। स्वागत समारोह का संचालन भाजपा नेता मदन रावत ने किया। बता दें, भाजपा कार्यकर्ता ने नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष लमगड़ा खीम सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे बखूबी निभाएंगे और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भाजपा के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी के जिला एवं शीर्ष राज्य के शीर्ष नेतृत्व का आभारी कर हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी लमगड़ा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं आपको ये एक सुनिश्चित करता हूं कि मैं तहे दिल से इस मंडल का कार्यभार बहुत अच्छी तरह संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन की रीति नीति को आगे बढ़ाऊंगा और बहुत सभी लोगों को अपने साथ लेके चलूंगा। अल्मोड़ा जिले के सोमवेश्वर विधानसभा के विकासखंड ताकुला के ग्राम पंचायत डोटियाल गांव में बीते 15 नवंबर 2022 को तेंदुए के हमले से डगर सिंह की मौत हो गई। सोमेश्वर विधायक कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के प्रयास से वन विभाग द्वारा मृतक डगर सिंह की पत्नी नीमा देवी को वन दरोगा शंकर सिंह बिष्ट, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप नगरकोटी के द्वारा 4 लाख का चेक सौंपा गया। मृतक डगर सिंह की पत्नी ने वन विभाग कैबिनेट मंत्री का आभार जताया। इस मौके पर प्रवन कर्मी भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीण वन कर्मी मौजूद थे। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप नगरकोटी का भाजपा कार्यकर्ता ने बधाई दी और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ता ने स्वयं शोभन सिंह जीना की स्मृति पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रदीप नगरकोटी ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भाजपा के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष गोविंद चौहान समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस को लेकर समूचा पुलिस प्रशासन तैनाती के साथ मुस्तैद नजर आया। जगह जगह नाकेबंदी के दौरान वाहनों की चेकिंग की गई और चालकों से पूछताछ हुई। गणतंत्र दिवस को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। आने जाने वाले यात्रियों के बैग चेक किए गए और इस दौरान बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम भी तैनात है। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी।
साथ ही जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। चेकिंग कर रहे हैं क्या, कुछ चेकिंग उनका बैग खोल खोल सबका चेक कर रहे हैं, कोई यहाँ थोड़ा सामान ना हो, कोई ऐसा मादक पदार्थ ना हो, जैसे कि मेट्रो में दिक्कत 26 जनवरी को लक्ष्य में दिल्ली की तरफ मेट्रो जा रही है, सबको चेक किया जा रहा है प्रॉपरली, हर यात्री को चेक किया जा रहा है हर यात्री को। तो कहाँ कहाँ आपके तरफ नाके बंदी रहेंगी? हमारे यहाँ पे मेट्रो का इस गेट पे है, मेट्रो पिछवाड़े गेट पे है, जो बस स्टैंड चौकी के सामने उधर नाका लगाया हुआ है, सोना टी पॉइंट पे नाका लगा हुआ है, और जो अपना ये खट्टर मार्केट है इसमें नाका लगा हुआ है। तो चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे पूरे फरीदाबाद में? तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी तैनात है। खबर कलियर से, जहां पुलिस और औषधि निरीक्षक विभाग और विजिलेंस की टीम ने नई बस्ती में प्रतिबंधित दवाइयों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के खिलाफ एनटीपीएस एक्ट के मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ड्रग्स फ्री देव भूमि मिशन 2025 अभियान के तहत औषधि नियंत्रण, विजिलेंस और करियर पुलिस टीम कलियर के मेडिकल स्टोर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना पर औषधि निरीक्षक मानेंद्र सिंह राणा, देहरादून से आई विजिलेंस की टीम और थानाध्यक्ष जहांगीर अली ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मकान में छापा मारकर एक युवक को प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार कर लिया। लक्सर विकासखंड सभागार में सीडीओ हरिद्वार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लक्सर ब्लॉक के निर्वाचित प्रधान बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के साथ सभी संबंधित विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि खंड विकास कार्यालय में पहुंचे ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों के साथ जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्या सीडीओ के सामने रखी। लक्सर ब्लॉक में बीडीसी की बैठक आयोजित की गई। जैसा हम लोग लक्सर में, खानपुर में अक्सर करते हैं, तहसील दिवस तो आयोजित होते ही हैं, और तहसील दिवस में मेन जो मकसद रहता है वो रहता है जनता की समस्याओं को सुनने का। उसमें डीएम साहब स्वयं भी मौजूद रहते हैं और हम सब लोग, सारे विभाग के अधिकारीगण भी आके सभी जनता को भी इनवाइट करते हैं ताकि सब लोग अपनी समस्या रख सकें। आज जो बीडीसी की बैठक हुई, इसका मेन पर्पस ये रहता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम प्रधान हों, चाहे बीडीसी मेंबर्स हों, जिला पंचायत सदस्य हों, और ये बैठक ब्लॉक प्रमुख जी के अध्यक्षता में कराई जाती है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारे विकास कार्य हैं उसमें किस तरह से योजना बनाई जाए, जो जो मेन इश्यूज आते हैं उनको किस तरह से सोचा जाए, किस तरह से उस पर डिस्कशन किया जाता है। वैसे ही सभी विभाग के अधिकारी आज भी यहाँ पे मौजूद थे। SDM साहब भी यहाँ पे हैं, BDO साहब भी यहाँ पे हैं, बाकी सब विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। तो उन्होंने सब ने अपने अपने विभागों के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में सभी जनप्रतिनिधियों को बताया। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।